आज मैं आपको लेकर आगे हैदराबाद की मिनी समोसा की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे डेली के 10,000 समोसे तैयार किए जाते हैं। और इन समोसों को बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और यूनिक होता है, जिसको यहाँ के लोकल ही नहीं बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इन छोटे छोटे समोसों को फैक्ट्री लेवल पे कैसे तैयार किया जाता है। समोसे का हमारा यहाँ पे डो बन के आ चुका है। आज हमारे समोसा फैक्ट्री में यहाँ पे समोसा बनाया जाएगा। तो डो रेडी हो चुका है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी जाएगी, इसको छोटे छोटे पीस में कट कर दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद पेड़े तोड़े जाएंगे, इसके बाद पेड़े बनाए जाएंगे। हाँ, एकदम बढ़िया से कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट देख सकते हो, अब यहाँ पे पेड़े बनना इसके चालू हो गए, तो एकदम बड़े बड़े पेड़े यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो फैक्ट्री में कितना फास्ट यहाँ पे काम चल रहा है, कितने फटाफट भैया यहाँ पे पीस काट रहे हैं और फटाफट इसके पेड़े लगाए जाएंगे। तो फैक्ट्री में देख सकते हो कितनी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है, एकदम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लोग दिख जाएंगे। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हैदराबाद की मिनी समोसा फैक्ट्री में, और यहाँ पे बहुत ही बल्क में आज यहाँ पे समोसे लगने जा रहे हैं। वे कौन से समोसे लगेंगे यहाँ पे? आलू चिकन, चिकन पनीर, अंडा। तो फाइनली हमारे यहाँ पे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं, अब उनके ऊपर हल्का हल्का सा यहाँ पे मैदा डाला जा रहा है। तो भैया अभी नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसको दबाना, देखो। अच्छा, ऐसा एकदम दबा के रोटी बनाएंगे इसकी? पहले दबा के ऐसा रख लेना, उसके बाद बेलन से छोटी रोटी बना के इसमें तेल लगाना। अच्छा, तेल लगा के रख के फिर बड़ी रोटी मारना। तो हमारा यहाँ पे मैदा आ चुका है, यहाँ पे छोटी चपाती से थोड़ी बड़ी चपाती बनना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे से इसको बेलन से बेल के यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके रोटी बनाई जा रही है, और आगे आप देख सकते हो ऑयल लगाया जा रहा है। दोनों साइड लगता है ऑयल? नहीं, एक साइड, एक साइड लगता है। तो फाइनली देख सकते हो बड़ी बड़ी रोटी में यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ऑयल लग चुका है, और आठ आठ का यहाँ पे बैच हमारा रेडी हो चुका है। तो समोसा बनाने के लिए हमारा यहाँ पे उल्टा तवा आ चुका है, आठ रोटी का यहाँ पे बैच बनाया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको अच्छे से पलट के इसको बड़ी रोटी में बनाया जा रहा है। एकदम बड़ी शीट यहाँ पे अब यहाँ पे तैयार कर ली जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी शीट्स की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हो लेयरिंग की जा रही है, एक के ऊपर एक करके यहाँ पे लेयरिंग कर दी गई है। एक के बाद एक करके डो को यहाँ पे फैलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी यहाँ पे शीट्स बनाई जाएंगी। हैदराबाद के कारीगरों की आप कारीगरी देख सकते हो यहाँ पे। तो स्टाइल देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से, बड़े से तवे पे यहाँ पे शीट लगा दी गई है, और अच्छे से घुमा घुमा के इसको यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे बड़ी सी शीट अच्छे से सेकी जा रही है, और वहाँ पे दोबारा से शीट बनना यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो एकदम बढ़िया तरीके से पलट के यहाँ पे शीट को बना दिया गया है। तो पतली पतली शीटें यहाँ पे अब निकाली जा रही है। तो जैसा कि आपने रुमाली रोटी खाई होगी, वैसी वैसी यहाँ पे पतली पतली यहाँ पे शीट रेडी की जा रही है। तो भाई मेहनत दे सकते हो भैया की, यहाँ पे हाथ जल चुके हैं यहाँ पे। तो एक शीट हमारी रेडी हो चुकी है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारी यहाँ पे शीट आ चुकी है। अब इसमें से भी यहाँ पे शीट्स को सेपरेट कर लिया जाएगा। फाइनली देख सकते हो हमारी यहाँ पे सारी शीट्स बन के रेडी हो चुकी है, और अब यहाँ पे अच्छे से हमारी शीट की कटिंग कर ली जाएगी। कितनी मोटी लेयर है यहाँ पे शीट के देख सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसको काटा जा रहा है। और अब एक एक करके नीचे ना शीट्स को अच्छे से यहाँ पे काटा जा रहा है। शीट्स पे आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे कट लगा दिए हैं। मैदे की शीट को यहाँ पे अच्छे से काट लिया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसका यहाँ पे पापड़ बना लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम छोटे छोटे साइज में मेजर करके यहाँ पे हमारे समोसे के लिए शीट्स काटी जा रही है, और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बल्क लेवल पे यहाँ पे शीट्स काट के यहाँ पे रखी जा रही है। आप देख सकते हो वहाँ पे बंचेस बना के रखे हुए हैं, और सभी में अलग अलग वेरायटी के यहाँ पे समोसे बनाए जाएंगे। तो आपको 5 से 6 वेरायटी के यहाँ पे समोसे मिल जाएंगे। समोसों के लिए हमारे यहाँ पे स्वीट कॉर्न आ चुके हैं, इसको अच्छे से निकाल के यहाँ पे रखा जा रहा है। 5 किलो डाला था स्वीट कॉर्न के बाद हमारे यहाँ पे प्याज आ चुके हैं। तो स्वीट कॉर्न और प्याज को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज की कटिंग कर ली जाएगी। तो हमारे समोसों के लिए एक एक करके यहाँ पे प्याज को काटा जा रहा है, और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्याज काट दिया गया है। तो प्याज कटने के बाद हमारे यहाँ पे धनिया काटा जा रहा है। तो प्याज हमारा कट चुका है, धनिया हमारा कट चुका है, अब यहाँ पे पुदीना काटा जा रहा है। तो पुदीने की भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कटिंग कर ली जाएगी। कौन समोसों के लिए रवा डाल दिया है, मसाला डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है, ये आ गई हल्दी, ये आ गई लाल मिर्च, ये आ गई कसूरी मेथी, ये आ गया नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया जाएगा। एकदम बढ़िया टेस्ट आता है भैया समोसे का जी। तो कॉर्न्स में देख सकते हो अच्छे से मसाला लग चुका है, हमारे समोसे के लिए मटेरियल रेडी हो चुका है। तो भैया नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? ये चूरा है पापड़ी। तो चूरा रहता है ये? हाँ भाई, पापड़ बना रहे हैं ना। तो ये भी प्याज के समोसे के साथ जाएगा? हाँ। एकदम बढ़िया सा यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया जाएगा। ये आ गई लाल मिर्च, ये ऊपर से आ गई हल्की सी हल्दी, ये आ गया इनका स्पेशल मसाला। और देख सकते हो अच्छे से सारे मसालों के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया जा रहा है। समोसे के अंदर की स्टफिंग के लिए बढ़िया सा एकदम मसाला हमारे यहाँ पे रेडी कर लिया जाएगा।
हमारे कॉर्न समोसा की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी एक एक करके पट्टी यहाँ से निकाल ली जाएगी, समोसा के अंदर स्टफिंग भरी जाएगी यहाँ पे। और स्टाइल जैसे यहाँ पे समोसा लगाने का अंडर का है ना, एकदम बढ़िया से यहाँ पे फोल्ड करके पट्टी लगाई जा रही है। तो एक साथ कितने समोसे फ्राई हो जाते हैं भैया यहाँ पे? बहुत ज्यादा, फिलहाल 100-100 पीस डालते हैं। 100-100 पीस डालते हैं फ्राई करने के, गरम गरम ग्रेको देते हैं। तो आप देख सकते हो एक एक करके यहाँ पे हमारे प्याज के समोसे की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे से हमारे प्याज के समोसे का मसाला बन चुका है और लोई के साथ इसको अच्छे से चिपका के हमारे समोसे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एक घंटे में कितने समोसे बना देते हो? एक घंटे में 400, 450 भी बन जाते हैं। फाइनली जैसे हमारे प्याज वाले समोसे बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब इनको यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे प्याज के समोसे आ चुके हैं, अब इनको अच्छे से कढ़ाई पे फ्राई कर लिया जाएगा। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे समोसों को अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। तो भैया कितना टाइम लगता है इसको फ्राई करने में? 5 मिनट। एकदम गर्मा गर्म हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे 5 मिनट में। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हुए हैं, अच्छे से यहाँ पे समोसों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर यहाँ पे आ चुका है। और 5 मिनट में फटाफट से बन के रेडी हो जाएंगे। एकदम अच्छे से क्रिस्पी हमारे यहाँ पे प्याज के समोसे बन के रेडी हो चुके हैं, एकदम छोटे छोटे समोसे। अब इनको अलग से बर्तन में यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अब स्वीट कॉर्न वाले समोसे भी बनके रेडी हो चुके हैं, अब इनको भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ गए स्वीट कॉर्न वाले समोसे, इनको भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा। तो फाइनली हमारे स्वीट कॉर्न वाले समोसे भी यहाँ पे लगभग रेडी हो चुके हैं, अब इनको कढ़ाई से निकाल लिया जाएगा। हमारे ऑनियन समोसे लग चुके हैं, हमारे स्वीट कॉर्न समोसे लग चुके हैं, अब इनको जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे टेस्ट है। तो फाइनली हमारे समोसा फैक्ट्री के यहाँ पे समोसा लग चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन समोसे लगाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये बहुत ही क्रिस्पी सा समोसा है और छोटे साइज का, ये आपको मिल जाएगा प्याज का समोसा। अंदर आपको प्याज की सब्जी मिल जाएगी, धनिया पुदीना मिल जाएगा और काफी इसमें अच्छे से मसाले डाले गए होते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हो ये इनका कॉर्न समोसा, इसके अंदर आपको कॉर्न की सब्जी मिल जाएगी, धनिया मिल जाएगा, मसाले मिल जाएंगे। तो इनका ये प्याज वाला समोसा काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी क्रंची है। आपने आलू का समोसा तो खाया होगा बट वो इतना क्रिस्पी नहीं रहता, और आजकल के लोग, आजकल के ज़माने में जो बच्चे हैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्याज का समोसा खाना चाहते हो तो इसको टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ पे कौन समोसा। तो अच्छे से इसमें स्वीट कॉर्न भरा हुआ है और इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ इनके टमाटो के साथ। तो इस समोसे की मुझे खास बात लगी कि इसकी जो लेयर है काफ़ी पतली रहती है, और जैसे कि आपने स्प्रिंग रोल खाया होगा एकदम वैसी इसकी लेयर रहती है, काफ़ी क्रिस्पी बनता है ये। और जिसके अंदर की स्टफिंग रहती है बहुत ही अच्छे से, और जिसके अंदर की स्टफिंग है इन्होंने बहुत ही अच्छे मसाले से बनाई हुई है। टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? टाइमिंग रात को 11 बजे। और दिन में कितने बजे रहता है? दिन में 9 बजे चालू। 9 बजे चालू। और डेली लगता है दुकान, छुट्टी नहीं होता कोई? नहीं, बंद नहीं, अभी तक बंद नहीं है, रात में बंद हुआ। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे? हैदराबाद। पहले श्री लक्ष्मी होटल इसका नाम, बाद में हमारा बेटा चेंज करा नाम, श्री लक्ष्मी होटल अयप्पा सोसाइटी माधवपुर। अगर आप भी ये यूनिक समोसे ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे इनके डिफरेंट समोसा ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है। ये शॉप आपको मिल जाएगी हैदराबाद में, और शॉप का नाम है ग्रैंड समोसा फैक्ट्री। यहाँ पे आके आप इसको टेस्ट कर सकते हो, हैदराबाद में आपको शॉप मिल जाएगी। बात कर लीजिए इनके प्राइस की, 30 रुपीज़ के समोसे हैं। आपको प्याज का, स्वीट कॉर्न का समोसा 30 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आपको चिकन का खाना है, अंडे का खाना है, उनके अलग प्राइसेस रहते हैं, तो एक बार आके इनको जरूर ट्राई कीजिए। तो इन समोसा को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।